आखिर क्या है सिंगल मॉल्ट विस्की, इसी के बारे में थोड़ा सा समझने और समझाने की कोशिश की जाएगी। तो सिंगल मॉल्ट विस्की है क्या? अगर 1 मिनट के वीडियो में मुझे रैप अप करना हो तो सिंपली सिंगल मॉल्ट इट मीन्स सिंगल डिस्टिलरी में माल्टेड बारले से बना हुआ विस्की, इट्स सिंगल मॉल्ट। तो सिंगल मॉल्ट समझाने के लिए पहले मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज़ माल्टेड बारले। बारले हमारा देसी लैंग्वेज में होता है जौ, जिसे हम अक्सर सुनते हैं कि जौ की बियर, तो वो होता है जौ। और माल्टिंग के लिए इन द सेंस कि जौ को पानी में भिगो दिया जाता है, स्प्राउटिंग से पहले उनको पानी से निकाल कर सुखा दिया जाता है, मतलब इन द मिड ऑफ प्रोसेस। तो उससे उसमें एक एंजाइम बन जाता है जिससे कि शुगर को स्टार्च में ज़्यादा लेवल पर बनाया जाता है। अब किसी विस्की को सिंगल माल्ट होने के लिए कुछ क्राइटेरिया है। इसमें पहला पॉइंट आता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो सिंगल डिस्टलरी में बनी हो, सेकंड और मेन कि उसमें सिर्फ माल्टेड बारले का यूज़ हो, थर्ड वो तांबे के पोर्ट स्टिल में बने, और चौथा अगर वो स्कॉटिश सिंगल माल्ट है तो उसको मिनिमम 3 साल के लिए एज कराया होना चाहिए, अगर अमेरिकन है तो 1 साल के लिए। क्लाइमेट के हिसाब से ये हर कंट्री के लिए अलग है, जैसे हमारा पाउल जोन है, अमृत है, तो क्लाइमेट के हिसाब से इनको हम ज़्यादा देर तक एज नहीं करवा सकते। और फिफ्थ वन, ये मिनिमम से मिनिमम 40% अल्कोहल बाय वॉल्यूम पे बॉटल होगी। तो अगर वैसे मैं आपको बताना चाहूँ कि ये बाकी विस्की या ग्रेन विस्की से बेटर क्यों है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसको जब जो माल्टिंग की प्रोसेसिंग है उसमें भी काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, दूसरा ये पॉट स्टिल में बनती है तो कई बार सिंगल बारी में ये डिस्टिल नहीं होती, उसको मल्टीपल टाइम डिस्टिल करना पड़ता है। जैसे बेसिक सबसे ज़्यादा फेमस ग्लेनफिडिक, तो उसको 12 साल के लिए एज कराया जाता है। अब सोचिए बोतल में आने से पहले उसको 12 साल तक संभाल संभाल के किसी ने रखा है, तो इतनी की इज्जत देनी तो बनती है। और कुछ सिंगल माल्ट के मिसकंसेप्शन हैं, जैसे कि कहीं समझते हैं कि ये एक बैरल में बनी, एक डिस्टलरी में बनी, उसको बैरल में डाला गया, उसको एज कराया और बॉटल में डाल के आपके पास आ गई। नहीं, ऐसा नहीं है, होती ये भी ब्लेंडेड है, बट इसके लिए क्राइटेरिया ऐसा है कि एक ही डिस्टलरी में माल्टेड बारले से बनेगी, बट इसको एज कराने के लिए अलग अलग तरह कास्क का इस्तेमाल किया जाता है। देन मास्टर ब्लेंडर टेस्ट के हिसाब से उसको ब्लेंड करके आपको बॉटल में डाल के देता है। तो ब्लेंडिंग इसमें भी है, बट इसमें एक रूल है कि डिस्टलरी के बाहर से कुछ भी आउटसोर्स नहीं होगा, एक ही डिस्टलरी, वहीं पे जो होगा वहीं के कास्क, वहीं माल्टेड बिस्की, वहीं पे सब कुछ होगा। तो डेट्स ऑल, सिंपल भाषा में सिंगल माल्ट इज सिंगल डिस्टलरी में माल्टेड बारले से बनी हुई बिस्की, डेट्स ऑल। इसको यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगली वीडियो में जल्दी ही मुलाकात होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।